कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो? चलो, तो आज हमने एक टारगेट लिया है 10th क्लास को देखते हुए। हमारे पास दो किताबें हैं। पहली किताब कौन सी है? फर्स्ट फ्लाइट। और सेकंड किताब कौन सी है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि 1-1.5 घंटे के अंदर हम इन दोनों किताब का, सॉरी, एक किताब का, फर्स्ट फ्लाइट का रिविज़न कर सके, जिसमें प्रोज सेक्शन, खास खास पोइट्री नहीं, प्रोज सेक्शन हम विशेष तौर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर से। अब देखो, सुनना ध्यान से, ये क्रैश कोर्स, समझते हो क्रैश कोर्स क्या होता है? क्रैश कोर्स मतलब ये है कि डिटेल्ड स्टडी नहीं करनी है, हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें लगता है कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, वही पढ़ना। ठीक है, एक कोई, देखो, कोई भी एक बच्चा, चाहे वो मेरिट होल्डर है, चाहे वो कोई भी नॉर्मल बच्चा है, वो एग्ज़ाम में पूरी सुना किताब लिख के नहीं आएगा, वो क्या करेगा, आएगा 10-12-15 पेज भर के आएगा सुन लेना। अब उन 10-12-15 पेज में आपको लिखना क्या है, अगर ये पता चल जाए, सवाल किस तरह से आएगा अगर वो पता चल जाए, तो हमारा काफ़ी हद तक काम जो है वो आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलो, तो आज हमें बस यही काम करना है, जितने भी सवाल है बोर्ड एग्ज़ाम्स के, वो हमें डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, सवाल को डिटेल में पढ़ना है, सुन लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला पार्ट, चैप्टर का नाम क्या, देखो ध्यान से, अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, है ना? तो गॉड मतलब ईश्वर। अब देखो सुनो, मजेदार बात ये है कि GOD गॉड होता है, और स्मॉल जी अगर लिखेंगे ना इस तरह से, और GOD, तो ये क्या हो जाएगा, देवता। क्या मतलब हो जाएगा? स्मॉल जी है, ओ है और डी है, तो फिर क्या मतलब हो जाएगा इसका, देवता। अब देखो सुनना, सवाल कुछ इस तरह से बनेगा। देखो बेटा, मैं कोशिश करूँगा, जो मेरे हाथ में जो PDF है ना, जो तुम्हारे हाथ में PDF है, इसको मैं ऑनलाइन भी कर दूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाओगे या फिर सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, तो वहाँ से सुना PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपके कोई दोस्त हो ना जिसको ये PDF चाहिए, तो कमेंट में या सब्सक्रिप्शन में जाके वहाँ से PDF क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। चलो, इतना कर लोगे। चलो, अब देखो सवाल मैं पहला पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ लेंचो होप, और हमें देखो सुना, ये तुम्हारे लिए कीवर्ड होगा। कीवर्ड का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में जब सवाल आएगा ना, कुछ भी सवाल, जैसे कोई सवाल आएगा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो देखो सुना, तुम्हें कीवर्ड तलाश करना है कि हाँ, होप फॉर आया, मतलब यहाँ पे लेंचो की होप पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो सुना, इस कहानी का सुना एक ओवरव्यू ले लो मुझसे। लेंचो एक गरीब किसान है जिसकी फसल ख़राब हो गई है। अब वो ऐसा सोचता है कि उसकी जो फसल है उसका जिम्मेदार कौन है, ख़राब होने की वजह गॉड है। तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है गॉड को, और क्या मांगता है उससे, मुआवजा मांगता है कि ईश्वर ने जो फसल ख़राब की है उसका क्या कर दे, मुआवजा दिया जाए। ठीक है, अब वो जो लेटर लिखता है गॉड को, वो लेटर जो है पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉय पढ़ लेते हैं, और जो होता है ना हेड पोस्ट मास्टर, जो वहाँ का थोड़ा सा अच्छा काइंड टाइप का इंसान है, तो उस लेटर को पढ़ कर वो हेल्प करता है किसकी, लेंचो की। लेंचो मांगता, सॉरी, लेंचो नाम है ना, हाँ, लेंचो कितने मांगता है, 100 पैसोज मांगता है। क्या मांगता है, 100 पैसोज मांगता है। और जो ना पोस्ट मास्टर की जो एम्प्लॉय, सारी जो कर्मचारी है वहाँ के, वो लोग क्या करते हैं, 70 पैसोज इकट्ठे करके किसको देते हैं, ला करके, तो लेंचो समझता है कि जो ना पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, उन्होंने क्या कर दिया है, हमारे पैसे वो खा गए हैं। ठीक है, शुरू करें, देखो सुनना, अब लेंचो की होप देखना ध्यान से। लेंचो एक गरीब किसान है, देखो सुन, लेंचो होप, सबका ध्यान उसके अंदर और हाथ में पेन पेंसिल, जैसे ही मैं वर्ड बताऊँ, अगर तुम्हें नहीं आए तो सुना वर्ड लिख देना। लेंचो होप फॉर ए गुड रेन, लेंचो को क्या थी, एक आशा थी अच्छी बारिश की। ही होप दैट गुड रेन वुड गिव हिम अ गुड हार्वेस्ट, उसको ये उम्मीद थी कि गुड रेन जो होगी, अच्छी बरसात जो होगी, वो उसको क्या देगी, हार्वेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्वेस्ट ईयर, फसल। देखो सुनना, एंड हिज फैमिली वुड लिव हैप्पीली फॉर द होल ईयर, और उसका जो परिवार है वो होल ईयर, होल कहते हैं संपूर्ण, पूरा साल कैसा रहेगा, खुश रहेगा। ऑन है वीडियो ऑन है ना, ध्यान भी रखना, सुन लेना, ऐसे नहीं है कि बस, चलो मैं कट कर दूंगा, डोंट वरी इसको। एंड हिज फैमिली वुड लिव हियर, एंड हिज फैमिली वुड लिव हैप्पीली फॉर द होल ईयर, यानी उसका परिवार कैसा रहेगा, पूरे साल खुश रहेगा। अब देखो सुना, सवाल नंबर सेकंड, व्हाई डिड द लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है, जो बारिश की बूंदे हैं, वो न्यू कॉइंस है। जवाब सुनना इसका, देखो, रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन बिकॉज दे वर बेनिफिशियल, एक बड़ा है बेनिफिशियल, क्या मतलब होता है, लाभदायक, फॉर द गुड क्रॉप, क्रॉप विच मीन्स फसल। तो लेंचो जानता था कि जो ये बारिश की बूंदे हैं वो फसल के लिए क्या हो जाएगी, बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी इसके लिए, तो उसने क्या कहा,
कि ये सिक्के बरस रहे हैं। क्या बरस रहे हैं? क्योंकि जब वो फसल बेचेगा तो उससे क्या आएगा? पैसा आएगा, तो उसके लिए सिक्के ही है। वो कहता है कि छोटी बूंद कितनों का सिक्का है? कितना का सिक्का है? पाँच का। और जो बड़ी बूंद वो कितने का सिक्का है? दस का। सुनना आगे, द गुड क्रॉप वुड ब्रिंग मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो अच्छी फसल होगी वो क्या लाएगी? मनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? बहुत नॉर्मल वर्ड। प्रॉस्पेरिटी क्या आएगी बताओ? प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, है ना, खुशहाली लाएगी। ठीक है, अब देखो सुनना, इस पार्ट में अगर सवाल बनेगा कैरेक्टर स्केच का, तो कैरेक्टर इसमें एक ही तो है, लेंचो। ठीक है, वैसे तो उसमें इसमें कैरेक्टर एक और है, पोस्टमास्टर, वो भी एक दयालु है, लेकिन उसमें पता है सवाल अधिक इस पता ज़्यादा बनता नहीं। किसका बनेगा? खास तौर से लेंचो का बनेगा। तो सवाल बन सकता है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच अबाउट लेंचो, या फिर ड्रॉ अ स्केच ऑफ लेंचो। जवाब सुनो इसका ध्यान से, कैरेक्टर स्केच। लेंचो इज अ पुअर फार्मर। लेंचो कौन है भाई? एक पुअर फार्मर है। ही वर्क्स इन अ फार्म। फार्म विच मीन्स खेत। वो कहाँ काम करता है अभी? वो खेत में काम करता है। ही इज़ अ बिलीवर ऑफ गॉड। बिलीवर यानी विश्वास करने वाला, है ना, भरोसा करने वाला। किस पे भरोसा करता है वो? गॉड पे। ही थिंक्स, वह सोचता है एंड बिलीव करता है दैट नोबडी डाइज ऑफ हंगर। नोबडी यानी होता है कोई नहीं। नोबडी क्या होता है? कोई नहीं। वो सोचता है कोई जो है भूख से नहीं मरता। परिंदे को अगर चोंच दी है ईश्वर ने तो दाना भी देगा, ऐसा कौन सोचता है? लेंचो सोचता है। अब सुनना ध्यान से, वो सोचता है कोई भी जो है भूख से नहीं मरता। ही इज श्योर ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। और वो श्योर है किससे हेल्प लेने के लिए? अरे किससे हेल्प मिलेगी उसको? वो श्योर है, लेंचो श्योर है कि उसको किससे हेल्प मिलेगी? गॉड से हेल्प मिलेगी। हिज ओनली मिस्टेक इज टू, देखो सुना, उसने एक गलती की है। हिज ओनली मिस्टेक इज टू इमेजिन दैट 70 pesos वर सेंट बाई गॉड। उसकी सिर्फ एक गलती है, वो गलती ये है कि उसने जो 70 pesos उसको मिले ना भाई, उसने क्या सोच लिया कि किसने भेजे हैं? वो गॉड ने, जबकि वो गॉड ने नहीं भेजे, वो पोस्टमास्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए अपने एम्प्लॉयज से चंदा किया उसने, और फिर उस कलेक्ट करके उसको दिए हैं। तो मिस्टेक क्या उसकी लेंचो की? क्या वो इतना मूर्ख है कि उसको ये भी नहीं पता कि ईश्वर किसी को पैसा नहीं भेजता? वो माध्यम बनाता है, मीडियम बनाता है, जरिया बनाता है। क्या बनाता है? जरिया। चलो अब सुनना, एंड ही डजेंट नो दैट इट वॉज सेंट बाई द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। वो नहीं जानता कि इसको किसने भेजा है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने भेजा है। लेंचो इज ए स्टूपिड पर्सन एंड ऑल्सो इग्नोरेंट। इग्नोरेंट क्या होता है? अनजान। वॉट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंट हियर? अनजान, अजनबी या फिर, है ना, दोनों। तो लेंचो एक मूर्ख है जो अनजान है। किन तरीकों से? वर्ल्डली वेज, दुनियादारी के तरीकों से अनजान है। बहुत भोला भाला लड़का है, ठीक है, किसान है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि ईश्वर किसी को पैसा नहीं भेजते। वो जरिया बनाता है किसी की मदद करने का, कि जैसे किसी की मदद करनी तो जरिया उसके पास ही कैसे करेगा। चलो सेकेंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम यानी आज़ादी। पार्ट पढ़ना है नेल्सन मंडेला। कौन थे ये? साउथ अफ्रीका के एक एक्टिविस्ट, एक रिवॉल्यूशनरिस्ट यानी क्रांतिकारी थे वहाँ के, और एक क्या बेटा, पॉज हो गया, चल रहा है, चलो ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। देखो सुनो, एक वर्ड यहाँ पे आया है अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है रंगभेद। क्या मतलब होता है? रंगभेद। प्रैक्टिस, देखो सुनो, प्रैक्टिस कहते हैं जो प्रचलन में थी या फिर वहाँ पे अभ्यास करते उसका। देखो तकलीफ क्या है इस पार्ट में, सुनना ध्यान से। साउथ अफ्रीका की कहानी है ये। साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं रंग के? ब्लैक हो, थोड़े से ब्लैक होते हैं ना। और अब साउथ अफ्रीका पे किस तरह से उन्होंने अटैक किया, पता नहीं क्या हुआ, कुल मिला के अंग्रेज़ों ने क्या किया है, वहाँ पे कब्जा कर लिया। और वहाँ के जो नेटिव लोग हैं ना, जो मूल निवासी हैं वहाँ को, वहाँ के, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से एक नेता खड़ा होता है, इसका नाम क्या होता है? नेल्सन मंडेला। वो उनके खिलाफ लड़ता है और अपने नेटिव पीपल को अपने अधिकार वापस दिलवाते। उसकी सुनाई कहानी, ठीक है, याद रहेगी बातें सारी। सुनना ध्यान से, जोर से यस सर तो बोल दो रहे, अब क्या बोल रहे हो, आगे सुनो। प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। देयर वर टू टाइप्स ऑफ रेस। रेस का मतलब यहाँ पे है नस्ल। क्या मतलब है? नस्ल, ठीक है। तो दो तरह की नस्ल थी वहाँ पे, द वाइट एंड ब्लैक। कौन कौन थे? गोरे और काले लोग, वाइट और ब्लैक। द ब्लैक सफर्ड मोस्ट। और देखो सुना, यहाँ पे बड़ा है सफर्ड, और सफर्ड का मतलब था तकलीफ में, है ना। तो जो ब्लैक थे वो तकलीफ में ज़्यादा थे, ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारणवश। कलर डिस्क्रिमिनेशन, किस लिए? डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ड है, मतलब होता है भेदभाव। अब वहाँ के लोग दुखी क्यों थे? क्योंकि गोरे लोग कालों में भेदभाव करते,
कि ये काला है, इसके साथ ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी उनके साथ भेदभाव करते, मारते पीटते, ठीक है, सुनना ध्यान से। द वाइट पीपल ruled साउथ अफ्रीका एंड snatch द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक नेटिव ऑफ द कंट्री। क्या हुआ कि वाइट लोगों ने क्या कर दिया, रूल्ड किया साउथ अफ्रीका पर, और वहाँ के जो था ना नेटिव ब्लैक नेटिव, वहाँ के काले मूलभूत निवासी, इसको बोलते हैं निग्रो, क्या बोलते हैं जो थे ना वहाँ के जो काले लोग, उनको बोलते हैं निग्रो, क्या बोलते हैं, तो उनकी आज़ादी को स्नैच कर लिया, झपट्टा मारकर छीन लिया। अब सुनना, दे हैड नॉट राइट्स एंड रेस्पेक्ट, ना तो उनके पास राइट्स है, अधिकार है, और ना ही उनके पास इज्जत है। एक तो उनके अधिकार भी छीन लिए, चलो छीन लिए, इज्जत तो दो कम से कम, उनको इज्जत जीने का हक तो दो, वो भी उनसे छीन लिया गया। इफ दे ट्राई टू डू समथिंग फॉर देयर राइट, अगर वो अपने अधिकारों के लिए कुछ करते ना, तो दे वुड सेंड टू द प्रिजन, तो उसको कहाँ भेज देते, दे वुड सेंड, तो उनको प्रिजन भेज दिया जाता था, एंड लिव अ लाइफ ऑफ अ स्लेव। क्या होता है स्लेव, गुलाम, तो कहाँ भेज देते उनको, जेल में भेज देते। अब देखो सुनना, एक सवाल ये बनेगा, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, नेल्सन मंडेला उनके क्रांतिकारी साथियों के वजह से उन्होंने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ की होगी वहाँ पर, तो जब वो आज़ाद हुआ तो वहाँ पे दो राष्ट्रगान बजे, ठीक है, तो डिस्कस लो उसको करने देखो, सुनना ध्यान से। नेशनल एंथम, एंथम मतलब गान, नेशनल एंथम क्या होता है, राष्ट्रगान, ठीक है, नेशनल सॉन्ग क्या होता है, राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगान कौन सा, जन गण मन, सुनना, नेशनल एंथम, देयर वर टू ट्रेसेज द वाइट एंड ब्लैक, हम जानते हैं कि वहाँ पे दो नस्लें थी, एक वाइट और एक ब्लैक, ईच रेस, प्रत्येक जो रेस थी वॉन्टेड टू गिव रेस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम, और हर नस्ल जो है वो अपने नेशनल एंथम को क्या देना चाहती थी, इज्जत देना चाहती थी, रेस्पेक्ट देना चाहती थी, सो देयर वर संग टू नेशनल एंथम, इसलिए वहाँ पे क्या गाए गए, दो नेशनल एंथम गाए गए। किसी को नाम याद दोनों के बता, खड़ी हो, नेकोसी सिक्लेल अफ्रीका, ये किसका था जल्दी बताओ, ये वाइट पीपल का था, और डाइस टीम किसका था, याद रहेगी सारी बातें, चलो आगे सुनना। अब अगला सवाल देखो तुम्हारा बन रहा है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, देखो सुना, अगर तुम्हें सवाल कुछ इस तरह से आए कि राइट अ स्मॉल पैराग्राफ अबाउट नेल्सन मंडेला, सुना देखो, ये लिख के आना है, सुन लेना, ठीक है। देखो ये सवाल इसलिए बताए हैं, तुम पता है तुम्हारे एग्जाम में पता है सवाल के पीछे पता है क्रिकेट में पार्ट का नाम आता है, वो किस लिए होता है, ताकि बच्चा उस पार्ट के नाम को देखे, उसको थोड़ी बहुत कहानी याद आए और वो कुछ ना कुछ लिख के आए। बेटा अंग्रेजी की पता कॉपियों की हालत ऐसी है, पता है कॉपी खाली छुड़ी हुई होती है एग्ज़ाम के अंदर, पता टीचर पता सोचता है कि यार इस बच्चे ने कोई कुछ लिखा ही नहीं, नंबर कहाँ से दूँ, तो तुम कम से कम इतना पढ़ोगे ना तो लिख के आ जाओगे, नहीं आओगे, चलो सुनना ध्यान से। आगे नेशनल एंथम पढ़ गया है पूरा, अब क्या पढ़ रहे हैं, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, नेल्सन मंडेला वॉज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, क्या मतलब डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव, और अपार्थेड क्या होता है, रंग भेद, याद रहेगा, और इसी के लिए एक वर्ड और क्या है, कलर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, रंग भेद वाला वर्ड। नेल्सन मंडेला वॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर एंड कास्ट, वो जो है रंग के भेदभाव और जाति के भेदभाव के अगेंस्ट थे, उसके विरुद्ध थे। ही फॉट अ लॉन्ग वॉर, उन्होंने क्या लड़ी, एक लॉन्ग वॉर, एक लंबी लड़ाई लड़ी अगेंस्ट द सिस्टम, अब यहाँ पे सिस्टम कौन है, वाइट पीपल, सिस्टम यहाँ पे कौन है, ही एंड हिज पीपल सेक्रीफाइस अनइमेजिनेबली, उन्होंने और उनके लोगों ने बहुत सारे बलिदान दिए, ऐसे बलिदान जिसकी हम कल्पना भी अनइमेजिनेबली, अकल्पनीय, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, चलो ये आपका हो गया सेकेंड चैप्टर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर जो है उसमें दो चैप्टर है ना, पहले का नाम देखो क्या है बताओ, हिज फर्स्ट लाइफ, देखो इसमें तो बताया हर साल बताया, अगर सवाल बनेगा ना तो सुना ऐसे पूछते हैं कि भाई जो यंग सीगल है ना, छोटा परिंदा जो हमारा, नाम क्या है, सीगल, उसने उड़ान कैसे भरी, या फिर उसने उसको उड़ान भरने के लिए कैसे बाध्य किया गया, ये सारी बातें शुरू करें, सवाल सुनना। हाउ वॉज द यंग सीगल फोर्स टू फ्लाई, किस तरह से उस यंग सीगल को उड़ने के लिए फोर्स किया गया, बाध्य किया गया, यंग सीगल फ्लाइंग, सुनना ध्यान से। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड, अफ्रेड क्या होता है, डरना, तो उसको जो है डर लगता था उड़ने से। ही थॉट हिज लिटिल विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, वो सोचता था, थॉट यानी क्या होता है, सोचता था, कहानी चल रही है ये,
सोचता था तो थिंक सेकेंड फ्रॉम थॉट, वह सोचता था हिज लिटिल विंग्स उसके छोटे छोटे जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी जब वो कूदेगा नीचे उस लैच से तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो सोचता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट हिम एट द एट ही वुड फॉल इनटू द सी, और कहाँ गिर जाएगा वो, सी। सी यानी क्या होता है, और एस डबल ई क्या होता है, देखना। ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, सुनो। हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन ऑन द लेज, उसके परिवार ने कहाँ छोड़ दिया उसको, लेज पे छोड़ दिया। लेज मतलब क्या होता है, चट्टान। ही वॉज वेरी हंग्री देन, उसको बहुत भूख लग रही थी। हिज मदर यूज अ ट्रिक, उसकी मम्मी ने क्या बनाया, एक प्लान बनाया, एक ट्रिक अपनाई उसने। एंड कैम नियर हिम विद अ पीस ऑफ फिश, किसके साथ आई वो, अपने साथ एक फिश का टुकड़ा लेकर आई अपने मुंह में दबा करके। ही वॉज मैडेंड विद हंगर, मैडेंड क्या होता है, पागल हो गया, विद हंगर भूख से पागल हो गया। एंड डिसाइडेड टू स्नैच इट फ्रॉम हिज मदर, उसने क्या डिसाइड कर लिया कि इस फिश के टुकड़े को, इस पीस ऑफ फिश को अपनी मम्मी से छीन लूंगा। जैसे मम्मी पास में आई, ठीक है, अब मम्मी तो ट्रिक है ना, मम्मी पास से निकल रही है लैस से, और जैसे ही वो कूदा नीचे गिर गया वो, अब देखना क्या होता है। एज ही डाइव्ड एट द फिश, तो जैसे ही उसने फिश की तरफ डाइव किया, ही फेल डाउनवर्ड्स, वो नीचे गिरा। देखो फॉल, फेल, फॉलन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द फॉल है ना, फेल नीचे गिरा था, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, अपवर्ड ऊंचे ऊपर की तरफ। ही फेल्स डाउनवर्ड, वो नीचे गिर गया। ही वॉज अफ्रेड बट एट द लास्ट मोमेंट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो डर गया, लेकिन अंतिम क्षणों में क्या हुआ, लास्ट मोमेंट्स पे क्या हुआ, उसके साथ उसके पंख स्प्रेड फैले आउटवर्ड्स, मतलब क्या बाहर की ओर फैले। तो विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग, और जो हवा जो है उसके ब्रेस्ट पे यहाँ पे रश्ड हुई, रश्ड मतलब यहाँ पे टकराई, और वो जो है उसने पंख अपने चौड़े कर दिए पूरे पूरे, और उसने उड़ना शुरू कर दिया। हिज फर्स्ट फ्लाइट, अगर सवाल बनेगा ना तो सुना ये बनेगा, सुन लेना इस पार्ट से, ठीक है। कोई नहीं, तो उसने छोटे सवाल में सुना ये नहीं पूछेंगे उसके उसके कितने मेंबर है फैमिली में, कौन कौन है, कितने भाई है, कितनी बहन है, उसने ना पार्ट में लिखा हो ना सारा, उसने वो सवाल नहीं बनेगा। सुना बड़े सवाल में बनेगा तो यही बनेगा कि उसने उड़ान कैसे भरी। अगला चैप्टर क्या नाम है, ब्लैक एरोप्लेन। ये लो भी ब्लैक एरोप्लेन तुम्हारा, ब्लैक एरोप्लेन काला हवाई जहाज। चलो बताओ हवाई जहाज का नाम क्या है, डेकोटा 0888। कहाँ से कहाँ जा रहा है प्लेन, जल्दी बताओ, फ्रांस पेरिस से उड़कर इंग्लैंड लंदन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पेरिस से लंदन जा रहा है, ठीक है। अब देखो सुनो, ये कहानी एक राइट एक हवाई जहाज का ना पायलट, उसकी कहानी है ये, फ्रांस से अपने घर जा रहा है, वापस इंग्लैंड जा रहा है, और उसके साथ रास्ते में हवा में क्या होता है वो सब उसकी कहानी है पूरी, ठीक है। वो सोच रहा है कि मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा और मैं जो है ब्रेकफास्ट वहीं करूंगा, ठीक है, शाम के वक्त उड़ान भरता है वो। अब सुन देखो ध्यान देना, नैरेटर एक्सपीरियंस, देखो सुना ये सवाल ये बनेगा इसमें से, डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म। जब नैरेटर ने अपना हवाई जहाज तूफान में उड़ाया तब उसने क्या महसूस किया, उसका एक्सपीरियंस क्या था, समझ में आया, चलो सुनना। नैरेटर एक्सपीरियंस, द नैरेटर टुक हिज रिस्क एंड फ्लू हिज ओल्ड डेकोटा प्लेन इन द स्टॉर्म। नैरेटर ने रिस्क लिया, नैरेटर ने क्या रिस्क लिया बताओ, तूफान सामने आ रहा था, फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई अपनी जो है ना गाड़ी को, अपनी जो प्लेन को लैंड कर ले, उस तूफान में उसको लेके चला गया, तो उसने रिस्क लिया। क्यों रिस्क लिया, क्योंकि उसको घर पहुंचने की जल्दी, उसको अपने परिवार की याद आ रही थी, चला गया वहाँ पे, रिस्क लिया और तूफान में चला गया। और प्लेन भी कौन सा है, ओल्ड प्लेन, ओल्ड डाकोटा प्लेन, ठीक है, पुराना मॉडल का प्लेन होगा। सडनली एवरीथिंग बिकम ब्लैक, तूफान में जब घुसा वो अंदर तब अचानक क्या हो गया, सब कुछ काला हो गया। द एरोप्लेन ट्विस्टेड इन द एयर, ट्विस्टेड कहते हैं मुड़ना, तो जैसे ही तूफान में हवाई जहाज घुसा तो क्या हो गया, ट्विस्टेड हो गया, क्या हो गया, ट्विस्टेड हो गया। हिज कंपस वॉज नॉट वर्किंग, उसका कंपस भी क्या था, काम नहीं कर रहा था भाई। ऑल द इंस्ट्रूमेंट एंड रेडियो स्टॉप्ड टुगेदर, सारे इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, क्या होता है
उपकरण, तुम बोल नहीं रहे हो भाई. ऑल द इंस्ट्रूमेंट एंड रेडियो स्टॉप टुगेदर. स्टॉप यानी रुकना, टुगेदर यानी एक साथ. उसके सारे इंस्ट्रूमेंट और रेडियो क्या हो गए, सारे एक साथ रुक गए. ही कुड नॉट मेक द कॉन्टेक्ट टू द कंट्रोल रूम, ही वॉज फ्राइटन्ड. अब क्या हुआ कि वो कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाया और वो क्या हो गया, फ्राइटन, डर, भयभीत हो जाना, डर जाना, वो क्या हो गया, डर गया. अब सुनना, हु वॉज दैट मैन. अब देखो उसमें सवाल ये बनेगा इसमें पार्ट में से कि वो आदमी कौन था जिसने नैरेटर के ऊपर हेल्प की. चैप्टर का नाम है ना ब्लैक एरोप्लेन, तो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, वो कौन था. देखो बेसिकली वो हेल्प फ्रॉम गॉड थी, क्या थी, ईश्वर की तरफ से मदद थी, अल्लाह की तरफ से वो मदद थी. हु वॉज दैट मैन हु हेल्प नैरेटर इन द स्टॉर्म. ये सवाल बन जाएगा इस तरह से, जवाब सुनो इसका. हु वॉज दैट मैन वैन ही लैंडेड सेफली. देखो सुनो, जब वो उसने लैंड कर दिया सेफली, ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द मैन. तो वो क्या चाहता था, वॉन्टेड चाहता था, नो जानना, तो जानना चाहता था उस आदमी के बारे में. हु वॉज फ्लाइंग एरोप्लेन इन द स्टॉर्म. हु यानी क्या होता है, जो, यहाँ मतलब क्या है, चलो सुनना. हु वॉज फ्लाइंग एरोप्लेन इन द स्टॉर्म. ही वेंट टू कंट्रोल रूम एंड आस्क द वुमन अबाउट द पायलट. कहाँ गया वो, कंट्रोल रूम में गया और क्या पूछा जाकर के, कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था ना उसका पायलट कहाँ है. शी लुक्ड हिम स्ट्रेंजली. तो उसने कैसे देखा उसको, अजीब तरीके से देखा, स्ट्रेंज, अजीब, एलवाई लग गया पीछे, एडवर्ब बन गई, अजीब तरीके से देखा उसने. बिकॉज देयर वॉज नो एरोप्लेन फ्लाइंग एट दैट टाइम ऑन रडार. क्योंकि उस दिन, उस समय रडार पे कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था. शी सॉ ओनली नैरेटर्स एरोप्लेन ऑन द रडार. उस औरत ने जो थी ना कंट्रोल रूम में, जो औरत बैठी थी, उसने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ नैरेटर का एरोप्लेन ही देखा, जो उस दिन जो था ना ओल्ड डेकोटा, उसी को देखा, बाकी कोई एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन नहीं था जिसने उसकी जान बचाई उस भयानक तूफान से. चलो अगला चैप्टर देखो ध्यान से. फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. ये एक डायरी है. ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे अधिक जो ना बिकने वाली डायरियाँ हैं उनमें इसका नाम है, एन फ्रैंक. एक लड़की थी ये, ठीक है, जर्मनी की थी. और कौन थी, धर्म क्या था इसका, ज्विश, क्या थी, देखो जर्मन की जो है ना, जर्मन, पता है तुम्हें, पता है जर्मन का एक पता युद्ध चलते हैं इनके आपस के अंदर, नाजियों के और ज्यूज के. तो उसी की कहानी है ये. एक लड़की है जो युद्ध के दौरान अपनी जो है ना पूरी यात्रा, जो उसने कैसे कैसे नेट उसने एक्सपीरियंस किए, वो उसको इसमें लिखती है. उसकी डायरी का नाम क्या है, किट्टी. उसकी डायरी का नाम क्या है भाई, तो सुनना ध्यान से. इस पार्ट में सवाल ही बनेगा कि अगर बनेगा तो सुनो, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, सुन लेना. सवाल बनेगा तो ये बनेगा कि एनालिज मैरी, यानी जो एन फ्रैंक है उसकी लाइफ के बारे में बताओ, ठीक है, वो कैसे उसकी डेथ हुई वो बताओ, या फिर जो ये किट्टी है ना डायरीज की, इतनी इंपॉर्टेंट की, वो बताओ. तो सारी बातों को सुनो, लिख दिया मैंने एक पैराग्राफ के अंदर ही, सुनना ध्यान से. एन्स लाइफ. किसकी लाइफ, एन्स लाइफ. हर फुल नेम वॉज एनालिज मैरी. क्या पढ़ेंगे इसको, उसका नाम क्या था, एनालिज मैरी. शी वॉज बॉर्न ऑन जून 12, 1929. शी वॉज जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल. जर्मनी में पैदा हुई थी और क्या थी, यहूदी, बिल्कुल सही, ज्यूइश यानी क्या होता है, यहूदी. शी रॉट हर डायरी वाइल शी वॉज हाइडिंग इन एम्स्टर्डम. तो उसने डायरी कब लिखी, जब वो एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. क्या किसी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ है, जल्दी बताओ, सोचो कब हुआ, 1939 से 1946 सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ, 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ. याद रहेगी सारी बातें, चलो अब सुनना आगे ध्यान से. तो एक जगह है एम्स्टर्डम, उस एम्स्टर्डम के अंदर ये लड़की छुपी हुई थी और उसी छुपे हुए के दौरान इसने अपनी डायरी लिखी जो बाद में बहुत फेमस बनी. इसने क्या किया कि नाजी था ना, नाजी जो इन पे
ज्यूस को जो मारते थे, तुम बताए एक, पता है एक व्यक्ति था हिटलर, ऐसा कहते हैं कि हिटलर ने ना 40 लाख लोगों को मरवा दिया था, 40 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। एक पता है घटना थी होलोकॉस्ट, क्या नाम था, पता है गैस के चैम्बर होते थे, पता है उनमें पता खूब सारे लोग डाल दिए एक साथ और उनको आग लगा दी, गैस से उनको मार दी। कितने लोग मार दिए उसने, हिटलर ने, याद रहेगी बातें। इस घटना को बोलते हैं होलोकॉस्ट, क्या बोलते हैं, होलोकॉस्ट। आगे सुनना ध्यान से। शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम हर स्कूल टाइम। कैसी थी बचपन से ही वो, इंटेलिजेंट थी, होशियार थी। शी हैड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके पास क्या था, सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है हंसी मजाक करने का ढंग उसके पास था। शी वॉज अ गुड राइटर, अच्छी लेखिका थी वो। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, शी डाइड ऑफ टाइफस इन 1945। कैसे मरी वो, उसकी मौत कैसे हुई भाई, टाइफस, टाइफस बीमारी है, टाइफाइड मान लो इसको, 1945। हर फादर फाउंड हर डायरी एंड गॉट इट पब्लिश, उसके पिता को उसकी डायरी मिली और उन्होंने क्या करा, उसको पब्लिश करवा दिया, गॉट इट पब्लिश्ड, उसको पब्लिश करवा दिया। हर डायरीज नेम वॉज किटी, उसकी डायरी का नाम क्या था, किटी, एंड इट वॉज रिटन इन डच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में था, डच लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ डेली लाइफ, एंड देखो सुनो ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, किस बात का, ऑफ डेली लाइफ एंड कंडीशन ऑफ ज्यूज, रोजमर्रा के जीवन का एक डॉक्यूमेंट है, किसका, कंडीशन ऑफ ज्यूज का, यानी यहूदियों की क्या स्थिति थी अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजियों के ऑक्यूपेशन यानी शासन के अंदर। या देखो ऑक्यूपेशन, देखो इसके दो मतलब होते हैं, एक व्यवसाय भी मतलब होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब क्या है, उनके शासन में उनकी क्या स्थिति थी। इट इज़ द वर्क ऑफ एन इनसाइटफुल माइंड, और जिस तरह से उस लड़की ने काम किया ना, तो ये क्या है, ये एक बहुत ही बेहतरीन दिमाग की एक रचना है। इनसाइटफुल क्या मतलब होता है, इनसाइटफुल प्रतिभामुखी, क्या मतलब होता है, प्रतिभामुखी। चलो आगे सुन लो, ये हुआ चैप्टर 4, इसके इंपोर्टेंट सवाल ये हो जाएंगे। अगला कौन सा बताओ, चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में तीन इसके सब चैप्टर है, सुनना। पहला क्या है, बेकर फ्रॉम कोवा। बेकर क्या होता है, जो बेक करता है, ये होता ना बेकरी, जहाँ पे मिलता है ना केक वगैरह, टोस्ट बिस्किट वगैरह मिलते हैं, बिस्कुट नहीं, क्या बोलोगे, बिस्किट। सुनना, अब सवाल ये बनेगा, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, क्या गोवा में अब भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है, अगर है तो क्यों है, सुनना ध्यान से। ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, जो ब्रेड मेकिंग का जो ना काम, जिसको पाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाव बोलते हैं ना, डबल रोटी बोलते हैं ना, मारवाड़ा में हम क्या बोलते हैं, हम अपने एरिया में क्या बोलते हैं, डबल रोटी बोलते हैं। ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, ये कहाँ पॉपुलर थी, गोवा में। दे स्टिल हैव द मिक्सचर, उनके पास अब भी क्या है, मिक्सर, इसमें जो है जिसमें आटा मिक्स करते हैं। एक वर्ड यहाँ पे आया, मोल्डर, देखो मोल्डर उस आटे को बोलते हैं जो पता सड़ा हुआ होता है, मोल्डर क्या होता है, सड़ा हुआ आटा मान लो भाई, उस पता है उस खमीर बनाता है ना, खमीर बनेगा तभी तो बेटा वो जो है ना डबल रोटी फूलेगी, जो पाव फूलेगा, कैसे फूलेगा वो ऐसे। एंड दोज हु बेक्स लव, यानी वे वहाँ पे उनके पास अब भी मिक्सचर है, मोल्डर्स है, यानी क्या आटा सड़ा हुआ रखते हैं वो, जो लोव्स, लोव्स क्या होता है, जो होता है ना पाव, उसको लोव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग तो वैसे है LOAF, ये सिंगुलर हो गया, LOAF क्या हो गया, सिंगुलर, इसका क्या हो गया प्लूरल, लोव्स। सुनना आप ध्यान से, दे आर फर्नेसेस, इसका मतलब बताओ, फर्नेस आग की भट्टी, फर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, तो उनकी जो आग की भट्टियाँ हैं वो कई सालों से आज तक बुझी नहीं है, यानी क्या उनकी भट्टियाँ अभी तक बुझी, एक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है बुझना। द थर्ड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू कैन बी स्टिल बी हर्ड एट सम प्लेसेस, देखो ये लोग जो आते हैं ना ये ब्रेड बेचने के लिए, ये पता है अलग अंदाज से आते हैं, इनके पास थाली होती है,
पता उसके नीचे पता है एक बांस का एक वो बैम्बू होता है ना, तो उसमें क्या होती है जंगल लगी होती है ना, जिसमें घंटियाँ लगी हुई होती, तो आपको उसका दो तीन बार थड करते हैं, क्या करते हैं ऐसे धम धम करते हैं, तो उसकी घुंघरू की आवाज़ निकलती है, तो उससे बच्चे सुन सुन के आते हैं घंटी की आवाज़ पे। हमारे नहीं आता, हमारे आता है ना चना दुर्गम वाला पाली के अंदर, उसी की बात कर रहा हूँ, सुना वो नहीं आता सुन लेना, उसकी तरह ही सुना ये व्यवसाय है इनका। अब देखो सुनना, जो उसकी आवाज़ है उन ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू कैन बी स्टिल हर्ड एट सम प्लेसेस, यानी क्या आज भी आप वहाँ जाओगे ना गोवा में तो पता है आज भी कुछ लोग मिल जाएंगे जो क्या है क्या बेचते हैं, ब्रेड बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? इसी पारंपरिक अंदाज से, वही थाली है, वही उनका जो है ना उसको जो धक्का देकर उसकी आवाज़ जो निकालते हैं, धम धम करते हैं, फिर आपको पता घुंघरू की आवाज़ निकलती होगी। द बेकर कम्स ट्वाइस इन अ डे मॉर्निंग इवनिंग टाइम, कितनी बार आते हैं दिन में? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो बार, दो बार। और वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। ठीक है, और थ्राइस क्या होता है? थ्राइस, तीन बार। थ्राइस याद रहेगा तीनों वर्ड, वंस ट्वाइस थ्राइस। द बेकर कम्स ट्वाइस इन अ डे मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स, दिन में दो बार आते हैं, और जैसे ही गली में आते होंगे तो बच्चे दौड़ते हैं उनसे मिलने के लिए, मम्मी मम्मी दिला कहते नहीं कहते, तुम भी कहते होंगे, चलो आगे सुनना ध्यान से। बेकर नेवर स्टार्व्ड, सवाल ये बनेगा देखो सुनना ध्यान से, ये पता है एक लाइन है तुम्हारे बुक के अंदर ही, बेकर नेवर स्टार्व, यानी क्या जो बेकर होते हैं ना वो कभी भूखे नहीं मरते। सवाल सुनना ध्यान से, देखो देखो सुनना, किताब की तुम्हें लाइन पढ़ता हूँ ठीक है। द ऑथर से द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, कभी लेखक कहता है कि बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता। वाई डज ही से सो, वह इस तरह से ऐसा क्यों कहता है? जवाब सुनना, ब्रेड वॉज एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, ब्रेड मतलब रोटी, यहाँ ब्रेड देखो सुना वो तो जो ना जो पैकेट में नहीं था ब्रेड सुना वो मतलब यहाँ पे, लेकिन ब्रेड है क्या भाई? खाने का भाई लाइफ का एक ना आवश्यक हिस्सा है, एसेंशियल क्या होता है? आवश्यक। पर बड़े जोर से बोला है ना, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ब्रेड वॉज एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, स्वीट डिशेज मेड ऑफ ब्रेड फॉर मैरिज सेरेमनी, जो मिठाइयाँ हैं स्वीट डिशेज वो बनाई जाती है किसके लिए? मैरिज सेरेमनी यानी क्या वैवाहिक अवसरों के लिए बनाई जाती है। किससे बनती है वो मिठाइयाँ? वो ब्रेड से बनती है ठीक है, उनमें होता है ना, उनमें ब्रेड होता है कि नहीं होता है, उस पर क्रीम वगैरह डालते हैं इस तरह से, तो मैरिज सेरेमनी में काम आता है वो। और क्या काम आता है? क्रिसमस पे एंड अदर फेस्टिवल्स और अन्य त्यौहारों पे भी वो चीज़ें ब्रेड काम आता है, तो इसलिए क्या है उनके पास रोज़गार है। जिसके पास बेकर्स यानी बेकरी का रोज़गार है तो वो कभी भूखा नहीं मरता भाई, अगर लगेगी भूख खुद खुद खा लेगा निकाल के ठीक है इस तरह से। इट वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सो द फैमिली ऑफ ए बेकर नेवर स्टार्व्ड, स्टार्व्ड मतलब होता है भूखा, हाँ भूखा मरना भी कह सकते हो ठीक है, वैसे भूखा रहना मतलब होता है। अब सुनना ध्यान से, तो ये क्या है? प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल क्या होता है? लाभदायक, शाबाश। बिजनेस है सो द फैमिली ऑफ ए बेकर नेवर स्टार्व, इसलिए बेकर का परिवार कभी भूखा नहीं मरता। चलो अगला निकालो, क्या नाम है अगले का? कुर्ग। कुर्ग एक जगह है, कहाँ पे बताओ? कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटक, सॉरी कर्नाटका नहीं होता, क्या होता है? कर्नाटक होता है। हम पता हमने पता इंग्लिश में पता हर पता वर्ड के पीछे ए लगा दिया, कर्नाटक वर्ड था हमने कर दिया कर्नाटका, क्या कर दिया? एक वर्ड है राम, हमने कर दिया रामा, एक वर्ड है कृष्णा, सॉरी एक वर्ड है कृष्ण और हमने कर दिया कृष्णा, एक वर्ड है अशोक, हमने कर दिया अशोका, न जाने कितने वर्ड बिगाड़ दिए। तो फिलहाल ये क्या है? कर्नाटक की जगह है, इसका नाम है अभी आज के वक्त में कोडागु, क्या नाम है? कोडागु। और इसको किस नाम से जानते हैं, फेमस किस नाम से है ये? कुर्ग नाम से। और कुर्ग किसके लिए फेमस है? चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए, वैसे यहाँ की कॉफ़ी फेमस है और चाय कहाँ की फेमस है? असम की, असम की या फिर असम की। सुनना ध्यान से, देखो उसमें सवाल ये बनेगा, व्हाट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुर्ग, यानी क्या कुर्ग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सुनना ध्यान से, पहले बात करते हैं कुर्ग के क्लाइमेट की, क्या मतलब होता है क्लाइमेट का? वातावरण है ना, पर्यावरण।
तो कुर्ग का जो है वो क्लाइमेट कैसा है सुनना, द कुर्ग इज ऑन द साउथ कोस्ट इन इंडिया। कहाँ पर है भाई? इंडिया के साउथ कोस्ट में है, ठीक है। इट इज़ द होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये घर है किसका? एवरग्रीन सदाबहार, सदाबहार क्या होता है? सदा यानी हमेशा, बहार यानी हरियाली, जहाँ पे क्या होता है हमेशा हरियाली रहती। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी यहाँ पे क्या है? सदाबहार वर्षा वाले जंगल है। स्पाइसेस मसाले हैं एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और क्या है? कॉफ़ी के प्लांटेशन है, ठीक है। ड्यूरिंग द मानसून, जब आता है ना मानसून, उस दौरान सुनना क्या होता है सुनना, इट पोर्स हैवीली सो मैनी विजिटर्स डू नॉट कम ड्यूरिंग मानसून। कहते हैं कि मानसून के दौरान बड़ी भयानक बारिश होती है यहाँ पर, तो उस दौरान विजिटर्स लोग जो है वो यहाँ पे नहीं आते। सेप्टेम्बर टू मार्च आर द सीजन्स ऑफ जॉय, सेप्टेम्बर से लेकर कब तक? मार्च तक सर्दी होती है, उस वक्त क्या है सीज़न है जॉय का, खूब लोग जाते हैं घूमने के लिए। ये कुर्ग पता है कि एक हिल स्टेशन है, क्या है? कौन सा स्टेशन है? हिल स्टेशन है, सुन लेना, ये हिल स्टेशन याद रहेगा, सुनना। द एयर इज़ फुल ऑफ फ्रेगरेंस ऑफ कॉफ़ी, और जो हवा है वहाँ की किससे फ्रेगरेंस सुगंधित किससे होती है? कॉफ़ी से। कुर्ग आल्सो प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, हियर जो ना कुर्ग का एरिया वहाँ पे क्या होते हैं खूब सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं। तुमने वो लंबी नाव देखी फिर टीवी में, पता पानी में, पता खूब सारे लोग उसको खींचते हैं, तो वो कहाँ होती? वो कुर्ग में होती, तो ये भी उनका क्या है, एक स्पोर्ट है। याद रहेगी सारी बातें, इसको सवाल याद करना है, इसका कुर्ग का क्लाइमेट कैसा है तो याद करोगे। फिर सुनना आगे, अब अगला है टी फ्रॉम आसाम। शुरू करें, एक पढ़ लिया कॉफ़ी, अब चाय मंगवा दूँ ऋषिका? चलो बेटा मंगवाते हैं ना, शुरू। वसीम को भी चाय चाहिए अब, राजवे एक्साइटमेंट, सुनना ध्यान से, सवाल ही बनेगा व्हाट एक्साइटेड राजवीर, राजवीर को क्या चीज़ एक्साइटेड करती है? देखो दो लड़के हैं इस पार्ट में, एक का नाम क्या है? राजवीर, और एक का नाम क्या है? प्रांजल। प्रांजल कहाँ का है? असम का ही है, और राजवीर कहाँ का है? दिल्ली का है। छुट्टियाँ पड़ी हुई है तो राजवीर कहाँ जा रहा है? असम। दोस्त लेके जा रहा है उसको भी, चल मैं दिखा के लाता हूँ अपना गाँव अपना शहर जो भी है, तो जाता है साथ में। और जो जर्नी कर रहा है ना ट्रेन के अंदर, तो जब ट्रेन में जब असम में ट्रेन घुसती है तो क्या देखता है कि आसपास क्या है? चाय के खेत। अब उसको देख के बड़ा रोमांचित हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है वो, कौन हो रहा है? राजवीर एक्साइटेड हो रहा है। अब प्रांजल को फर्क नहीं पड़ा, प्रांजल को उसके लिए तो दोस्त की बात है। सुनना ध्यान से, राजवीर के एक्साइटमेंट क्या समझना। ड्यूरिंग द समर वैकेशन, समर की वैकेशन के दौरान, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, राजवीर सॉ अ टी स्टेट। राजवीर ने क्या देखा? एक टी स्टेट देखा, एक चाय की जागीर देखी, ठीक है। While journey to the Assam and got excited, जब वो आसाम की जर्नी कर रहा था, जब वो आसाम के लिए जर्नी कर रहा था, तब वो क्या हो गया? Got excited हो गया, थोड़ा उत्तेजित हो गया, ऐसे फॉर्म में आ गया। There was so much greenery, वहाँ पे क्या था? एक वर्ड greenery क्या होता है बताओ? हरियाली, खूब सारी हरियाली थी वहाँ पर। He called it tea garden, उसने क्या कहा इसको? कि क्या है? जैसे चाय का बगीचा है भाई, हमारे यहाँ बगीचे होते हैं फूल, गुलाब के, चमेली के, गुलमोहर के, है ना, इस तरह के बगीचे होते हैं, खूब सारे फूल निकलते हैं। इसने क्या कौन क्या देख लिया बगीचा के हर पौधा का कैसा है यहाँ पर? चाय, तो ये क्या है? टी गार्डन है। अब सुनना आगे ध्यान से, प्रांजल अनएक्साइटमेंट, प्रांजल जो है ना वो क्यों अनएक्साइटेड है सुनना। प्रांजल डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट बिकॉज ही हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए टी प्लांटेशन। जो प्रांजल है उसने शेयर ही नहीं की राजवीर की एक्साइटमेंट, भाई राजवीर बैठा बैठा राजी हो रहा है कि यार कितने शानदार जो है वो नज़ारे, प्रांजल क्या चुपचाप बैठा है, उसको शेयर ही नहीं कर रहा उसके एक्साइटमेंट को, देखता रहे वो पबजी खेल रहा है बैठा बैठा भी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उसके ऊपर। ही वॉज वॉचिंग ऑल ऑफ दैट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, कब से देख रहा है वो? से, कौन देख रहा है बचपन से? प्रांजल देख रहा। शाबाश। अब देखो सुनना, एक कहानी है चाइनीज लेजेंड की, पढ़ी थी अपन ने? Yes, sir. कि एक राजा था वो पानी उबाल के पीता था, एक दिन वो चाय की पत्ती आई उसमें गिर गई,
फिर वो पीने लग गया, उसको मजा आ गया, फिर राजा जो है लंबे समय तक जीवित रह गया। तो लोगों ने माना कि ये चाय की पत्ती पीता था इसलिए व्यक्ति इतने सालों तक जिंदा रहा। तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, चाय पीना शुरू कर दिया। और चाय किस लैंग्वेज का वर्ड है, चाइनीज़ लैंग्वेज का ही वर्ड है। और चाइनीज़ लैंग्वेज का नाम क्या है, मैंडरिन। कौन सी लैंग्वेज है, मैंडरिन लैंग्वेज। हम हिंदी में बोलते हैं मंदारिन। कौन सी भाषा, मंदारिन। अब देखो सुनना, व्हाट इज़ द चाइनीज़ लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की जब खोज हुई तो उसकी सुना कौन सी कहानी है जो उससे जुड़ी हुई है, वो पढ़ते हैं सुनना। चाइनीज़ लेजेंड, इट इज़ सेड दैट अ चाइनीज़ एम्परर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्परर, सम्राट है ना, राजा कह सकते हैं इसको अपन। ये कहा जाता है कि एक चाइनीज़ राजा था, एक सम्राट था, यूज़ टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। देखो एक वर्ड यहाँ पे आया, यूज़ टू, किया करता था। तो क्या किया करता था वो, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी। वन डे वाटर वॉज बॉइलिंग, एक दिन पानी उबल रहा था। फ्यू लीव्स ऑफ द टी फेल इन टू द पॉट, कुछ पत्तियाँ चाय की पॉट में गिर गई। वैन एम्परर ड्रैंक, जब उस शासक ने उसको पिया था या फिर पिया, इट वॉज डिलीशियस, मज़ा आ गया उसको, और लाओ। अब पहले पानी उबाल के पीता, अब दो डेली चाय की पत्ती डाल डाल के पी रहा है, उसको इतना मज़ा आ गया, डिलीशियस कहते हैं स्वादिष्ट। इट वॉज कंटिन्यूड बाई द एम्परर, और उसके बाद क्या कर दिया एम्परर ने, उसको कंटिन्यू कर दिया। अब सुनना ध्यान से, अगला सवाल, सवाल बनेगा कि हाउ आर द टी प्लकर। एक वर्ड आया प्लक, प्लक कहते हैं पत्ती को डाल से अलग करना है, फूल को डाल से उस है ना टहनी से अलग करता, प्लक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो काम करते हैं ना चाय की पत्ती जो इकट्ठी करते हैं उनको बोलते हैं टी प्लकर। क्या बोलते हैं, तो टी प्लकर जो है वो आम मजदूरों से अलग क्यों है, सुनना। हाउ आर द टी प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर लेबर्स, जवाब सुनना है इसका। हाउ टी इज कलेक्टेड, सॉरी हाँ ये पढ़ना ना, ठीक है। हाउ टी इज कलेक्टेड, The tea pluckers have to keep a bamboo basket on their back. जो चाय की जो पत्तियाँ इकट्ठा करते हैं ना pluckers जो है, उनके पीठ पे क्या होता है, एक बांस की बनी हुई क्या होती है, बास्केट होती है। पत्ती तोड़ते हैं, तोड़ा और पीछे डाल दिया, पत्ती तोड़ी और पीछे डाल दिया, इस तरह से। On their back, अपनी पीठ पे क्या होती है बताओ, बैम्बू बास्केट होती है। दे वियर प्लास्टिक एपरन्स, और वो लोग क्या पहनते हैं, प्लास्टिक के एपरन पहनते हैं। क्यों पहनते हैं बताओ, कपड़े गंदे नहीं हो इसलिए पहनते, और किस लिए पहनते, या फिर मान लो थोड़ा अगर छोटी मोटी बारिश भी हो जाए वहाँ पे तो कपड़े ख़राब नहीं हो भाई, उनको तो दिन रात काम करना है ना भाई। भाई असम है, मेघर पता है, वहाँ तो बारिश होती रहती है, तो अगर बारिश के भरोसे बैठ गए तो काम कैसे करेंगे वो, तो इसलिए कैसे कपड़े पहन करते हैं, प्लास्टिक के। दे प्लक न्यूली स्प्राउटेड लीव, और दे प्लक वे तोड़ते हैं न्यूली स्प्राउटेड, नई नई जो होता है ना पंख पत्तियाँ जो निकलती है, स्प्राउटेड जो अंकुरित होती है, उनको तोड़ते हैं। एंड ड्रॉप देम इन देयर बैम्बू बास्केट, और उसको कहाँ डाल देते हैं, उनकी बैम्बू बास्केट में डाल देते हैं। ये हुआ टी फ्रॉम असम। अगला कौन सा बताओ, मिस बिल द वाटर, सुनना ध्यान से इसको भी, अभी करते हैं इसको पूरा। मिस बिल कौन है भाई, तो मिस बिल एक ऑटर है, और ऑटर को हिंदी में बोलते हैं उदबिलाव। क्या बोलते हैं भाई, उदबिलाव, एक प्राणी होता है छोटा सा बोला बाला। अब देखो सुनना, सवाल ही बनेगा कि व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। इस उदबिलाव का नाम, मैक्सवेल का उदबिलाव किसने रखा, मैक्सवेल का उदबिलाव किसने रखा, सुनना ध्यान से। तो सुनना ध्यान से इसकी बात को, साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑटर, द ऑटर वॉज नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। इस ऑटर की जब खोज की गई ना तो उसका नाम क्या रख दिया, सो लोगों ने मैक्सवेल ऑटर रख दिया। बिकॉज क्योंकि मैक्सवेल नाम का जो इंसान था ना उसी ने इसको खोजा था, उसी ने इसकी नस्ल को साइंस से अवगत करवाया है ना, कि देखो ये एक तरह का ये प्राणी होता है, उसने ही बताया साइंस को, ठीक है। टुक द ऑटर फ्रॉम द लंदन जियोलॉजिकल सोसाइटी, कहाँ लेके गया उसको वो, लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी, जंतुआलय मान सकते हो। देखो जूलॉजिकल, जू कहते हैं जंतु जानवर, लॉजिक लॉजी मतलब होता पढ़ना, आई सी ए एल लगाया मतलब एडजेक्टिव बन गया वो, तो यानी ऐसा स्थान जहाँ पे क्या होती है जंतुओं की स्टडी होती है। तो वो कहाँ लेके गया उसको, लंदन लेके गया, लंदन जूलॉजिकल सोसाइटी लेके चला गया वो। एंड कॉल्ड इट मिस बिल, और क्या नाम रखा उसको, मिस बिल।
को पुकारा, मिसबिल नाम से पुकारा, ही इट्स जियोलॉजिस्ट सॉरी एक मिनट इट्स रेस वॉज नॉट प्रीवियसली नॉन टू साइंस, और इसकी जो नस्ल जितना रेस क्या होता है रेस नस्ल वॉज नॉट प्रीवियसली नॉन, उसकी नस्ल को पहले जाना नहीं जाता था. मैक्सवेल इंट्रोड्यूस्ड दिस टू द जियोलॉजिस्ट, और मैक्सवेल ने ही इसको जंतु विज्ञानियों को जियोलॉजिस्ट को इंट्रोड्यूस कराया कि आओ भाई तुम भी देखो मैं लाया हूँ पता नहीं कहाँ से. लुट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली इसका नाम है, ये किसका साइंटिफिक नाम है भाई. नहीं होता तुम्हें पता, तुम पढ़ते हो ना ऑराइल सटाइवा पता नहीं तुम क्या क्या पढ़ते हो, साइंस से पढ़ते हो ना वो. चावल का नाम क्या है साइंस वैज्ञानिक नाम, चावल का नाम क्या है चलिए बताओ, ये किसका नाम है ऑराइल सटाइवा, ऑराइल सटाइवा किसका नाम है नहीं पता तो छोड़ो अब थोड़ी साइंस पढ़ रहे. पिंग पोंग गेम देखो ध्यान देना, जो है ना हमारी कहानी का जो हीरो है इस कहानी का उसका नाम क्या है, मिज मिजबिल शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, नहीं बोलते लोग किसी का लंबा सा नाम होता है शॉर्ट में, तनवीर को तनसा करते हैं कुछ कुछ लोग, मेरे दोस्त तनसा कर देते हैं, कुछ लोग तनु कर देते हैं. सुनना मिज वॉज देखो सुनना सवाल ही बनेगा, व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने कौन सा गेम इन्वेंटेड किया, इन्वेंटेड मतलब क्या होता है आविष्कार किया उसने, ठीक है. देखो सुनना ध्यान से, मिज वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव मैमल, मैमल क्या होता है स्तनपाई, ऐसा जानवर जो बच्चे देता है उसको बोलते हैं मैमल, ठीक है स्तनपाई बोलते हैं हिंदी में. मिज वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, वो थोड़ा सा क्रिएटिव है रचनाकारी है, ठीक है रचना करता है कुछ तो. मिज हैड इन्वेंटेड द गेम ऑफ पिंग पोंग बॉल, उसने कौन सा गेम इन्वेंटेड किया बताओ, पिंग पोंग बॉल एंड अ ब्रोकन सूटकेस, क्या था इस गेम में सुनना ध्यान से. मिज पुट द बॉल ऑन द वन एंड ऑफ द सूटकेस एंड रैन टू कैच इट व्हेन इट स्लाइड टू द, कहीं से एक सूटकेस मिल गया उसको टूटा 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 हुआ तो ढलान थी उसके अंदर, तो एक पिंग पोंग बॉल होती है ना वाइट कलर की कुछ छोटी पता है ना हल्की बॉल नहीं थी प्लास्टिक की बॉल होती, उसको लेके आया सूटकेस है उसकी इधर रखा इस तरफ रखा, लुढ़क के वो कहाँ तक आई वापस आई, तो ऑर्डर क्या करता मिस क्या करता उस बॉल को लेता यहाँ रखता और बॉल लुढ़कती उससे पहले यहाँ पे आकर उस बॉल को पकड़ लेता, तो उसका एक गेम बन गया था. तो मिस ने किस गेम का इन्वेंटेड किया, पिंग पोंग बॉल एंड ब्रोकन सूटकेस, याद रहेगी सारी बातें. हाँ चलो सुनना, अब अगला सवाल है, मिज स्पेंड्स इट्स टाइम मिज जो है अपना समय कैसे व्यतीत करता था, स्पेंड यानी अपना टाइम बिताता था. सुनना ध्यान से, मिज स्पेंड्स हिज टाइम बाई प्लेइंग विद हिज ओवन सिलेक्शन ऑफ टॉयज, अपने खुद के खिलौनों के साथ खेलता रहता था. मार्बल्स क्या होता है मार्बल्स, कंचे भी मतलब हो सकता है जो ना पत्थर की होता है ना पत्थर की गोलियाँ वो भी मतलब हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है. रबर फ्रूट कैसे फ्रूट थे रबर फ्रूट ताकि वो तोड़ ना दे उनको सॉरी वो सॉरी खा ना जाए उनको, रबर फ्रूट है ना. अच्छा सुनना, पिंग पोंग बॉल एंड टेरापिन शेल क्या मतलब होता है, कछुआ कछुए की खाल के साथ, शेल क्या होता है जो होता है ना उसके जो ऊपर होते हैं ना खाल जो उसको शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं शेल, उसके साथ खेलता हूँ. मिस लव टू प्ले इन द वाटर एंड वंस, और मिस को कहाँ खेलना पसंद था भाई, पानी में खेलता क्योंकि वो वाटर है तो पानी में खेलेगा भाई. एंड वंस ही इवन वेंट टू द बाथरूम एंड ओपन द टैप, टैप क्या होता है टूटी नल है ना हम टूटी बोलते हैं. ही इवन वेंट टू द बाथरूम एंड ओपन द टैप ऑन हिज ओवन टू प्ले इन द वाटर, एक बार कहाँ गया वो बाथरूम में गया और टूटी खोल दी वहाँ की जाकर के नल खोल दिया उसको और अब वो उसमें खेल रहा लगातार. हिज ओवन टू प्ले इन द वाटर, अब खुद ही जो है पानी में लगातार खेल रहा है. ये कहानी है मैक्सवेल के ऑटर की, नाम क्या है मिजबिल, कहाँ से लाया इसको पता नहीं कहाँ से लाया सॉरी रुको एक मिनट रुकना. हाँ टुक द ऑटर फ्रॉम लंदन जियोलॉजिकल सोसाइटी से लाया, ठीक है, और साइंटिस्ट को बताया कि देखो भाई ये प्राणी भी होता है इस तरह का. चलो आगे बढ़ें, चैप्टर नंबर
9 तुम्हारा फेवरेट पार्ट आ गया भाई। मैडम राइट्स द हीरोइन का नाम। कितने घंटे की यात्रा जाने में कितना लगता है समय? 45 मिनट्स। किराया कितना है? 30 पैसे ईच वे। एक तरफ जाने का किराया कितना है? 30 पैसे। लड़की बड़ी शानी है अपनी, नाम क्या है? वल्ली। ध्यान देना अब, देखो सुना, वल्ली की विश क्या थी, वल्ली की इच्छा क्या थी, सुनना। अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, या फिर हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, उसकी सबसे मजबूत जो थी ना इच्छा, उसकी विश, उसकी कामना क्या थी, सुनना ध्यान से। व्हेन वल्ली सॉ द बस, जब वल्ली ने बस देखी, सॉरी जब वल्ली बस देखती थी, या फिर जब वल्ली ने बस देखी, फिल्ड ईच टाइम विद अ सेट ऑफ न्यू पैसेंजर, हर बार क्या होता उसके अंदर एक पैसेंजर का न्यू सेट भर जाता, फिल्ड हो जाता। कुछ यात्री निकलते उस बस से, जैसे वो निकले और कुछ और यात्री भर गए, तो छोटी बच्ची उसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार ये डब्बा ठीक है, कुछ लोग निकलते हैं और कुछ लोग चढ़ जाते हैं, पता नहीं फिर कहाँ जाती है बस, उसको देखना पसंद था। इट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर, तो उसके लिए क्या है ये? एक अनएंडिंग जॉय है। क्या है भाई? ऐसा जॉय, ऐसा आनंद जो अनएंडिंग, जो कभी खत्म ही नहीं होता। गेट में खड़ी हो जाती है, बस आती है, उसको देखती है, थोड़ी देर बाद एक और बस आई, उसको देखेगी, तो उसका टाइम पास हो रहा है। हर विश वॉज टू राइड द बस वंस, उसकी इच्छा क्या थी कि एक बार, कम से कम एक बार तो मैं बस की राइड कर लूँ। सुनना ध्यान से अब अगला सवाल, हाउ डिड शी फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ द बस जर्नी, वल्ली ने कैसे पता किया बस के बारे में डिटेल को, यानी डिटेल को कैसे उसे कलेक्ट किया, सारी बात सारी उसने इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की, वो सारी बात। वल्ली कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट जर्नी, वल्ली ने कलेक्ट की डिटेल्स को, डिटेल्स क्या होता है? विस्तृत सूचना, डिटेल है ना, विस्तृत। कलेक्ट डिटेल अबाउट द जर्नी, द 6 miles अवे फ्रॉम द विलेज देयर वर, सॉरी द फेयर, फेयर क्या होता है? देखो फेयर के 3-4 मतलब है। पहला मतलब फेयर, फेयर एंड लवली, नाम सुना है? तो फेयर मतलब गोरा। यहाँ ये फेयर क्या है? किराया। एक होता है फेयर है, यानी सही है, होता है ना फेयर बुक, रफ बुक, तो फेयर मतलब सही भी होता है। अब सुनना, द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, जो किराया था वो कितना था? 30 पैसे था वन वे का। और सुनना, इट वॉज अ जर्नी ऑफ 45 मिनट्स, कितनी मिनट की जर्नी थी? 45 मिनट्स की जर्नी थी। सी लिसन्ड केयरफुली द कन्वर्जेशन ऑफ द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, उसने क्या किया, जो लोग रेगुलरली यूज बस को यूज़ करते उनके पास गई और उनकी कन्वर्जेशन को ध्यान से लिसन्ड केयरफुली, ध्यान से सुना उन्होंने। फिर सुनना आगे, एक सवाल बनेगा, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली एज अ मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा? हम सब जानते हैं क्योंकि जॉली था, कैसा था वो जॉली, क्या होता है? खुश मिजाज। ठीक है सुनना, वल्ली एज अ मैडम, द बस कंडक्टर कॉल्स, सॉरी द बस कंडक्टर वॉज जॉली पर्सन, एक खुश मिजाज इंसान था, वो व्यक्ति था, ही कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज ही गैसेज द टेम्परामेंट ऑफ वल्ली, क्योंकि वह वल्ली का स्वभाव जान को गैस, उसने गैस कर लिया था। गैस क्या होता है? अनुमान लगा देना। उसने वल्ली के स्वभाव का अनुमान लगा लिया था। क्यों लगा लिया था? भाई छोटी सी है लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, तपाक तपाक जवाब दे रही है, जबान इतने हाथ की। आगे सुनो, सी इज जस्ट 8 years old एंड स्पीकिंग विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, सिर्फ 8 साल, कितने साल की है वो? 8. सिर्फ 8 साल की है और स्पीकिंग कैसे करती है वो? स्पीक विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, और कैसे बोलती है? ग्रेट आत्मविश्वास के साथ बोलती है। शी इज बिहेविंग लाइक अ मैच्योर्ड वुमन, और कैसे बिहेव करती है वो? एक मैच्योर्ड वुमन होती है ना, जैसे समझदार, उस तरह बिहेव करती है। कौन करती है बिहेव? सबश। आगे सुनना, वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, सवाल ये बनेगा, वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वाई डज ही सी, वॉट डज शी सी देन, वल्ली जो है वो सीट पे खड़ी की हुई और उसने जब खड़ी हो गई तो उसने क्या क्या देखा? सुनना सवाल ध्यान से,
ये सारे सवाल किसी न किसी, पता है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। सुन लेना बेटा, सुनना, नॉर्मल सवाल नहीं, सुन लेना, ये सारे सवाल किसी किसी बोर्ड एग्जाम में पक्के आए हुए हैं, सारे सुनना, सेलेक्ट करके लाए हुए हैं। आगे सुनना फिर। वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वल्ली स्टूड अप ऑन द सीट बिकॉज सी कुडंट सी आउटसाइड द बस। वल्ली जो है वो सीट पे इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि वो बस के बाहर का नहीं देख सकती थी। जब वो खड़ी हो गई, when she stood up, she saw palm tree, क्या देखा उसने? पाम कहते हैं ताड़, खजूर होते ना, खजूर के पेड़ कैसे लंबे वैसे पेड़ होते हैं। सी सा पाम ट्री, ग्रास लैंड, माउंटेन्स एंड ब्लू स्काई, क्या देखा? हरे मैदान देखे, पहाड़ देखे, और क्या देखा? नीला आसमान देखा, आकाश देखा। शी सा अ वाइट काउ विच वॉज रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस। उसने क्या देखा? कि एक वाइट काउ है जो बस के आगे आगे दौड़ रही है। विच वॉज रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस। चलो, चैप्टर कौन सा हो गया ये वाला? 9। अब कौन सा है? द सरमन एट द बनारस, महात्मा, सॉरी, गौतम बुद्ध की थोड़ी सी इसमें जीवन आएगा इसके अंदर। सरमन कहते हैं, बताओ सरमन क्या होता है? बताओ, उपदेश। सरमन का मतलब क्या होता है? कहाँ पे सरमन दिया? बनारस में, ठीक है। ऐसा कहते हैं, ऐसा लोग कहते भी हैं और मानते भी हैं कि महात्मा, सॉरी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। अब देखो सवाल समझ ध्यान से, क्या लिखा? प्रिंस सिद्धार्थ वॉज प्रोटेक्टेड। सिद्धार्थ कौन है? ये सुन लेना, गौतम बुद्ध ही है। कौन है ये? गौतम बुद्ध। तुम्हें सुनाई थी मैंने कहानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो राजकुमार थे, उनके पिता नहीं चाहते थे कि ये एक, तो पता है ना, वो भविष्यवाणी कर दी थी किसी ने, पंडित ने। सुनाई हुई कहानी सारी? तो आगे सुना, देखो सुना, वो कहानी आ भी रही है इसके अंदर। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड फॉर 25 ईयर। प्रिंस सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को 25 सालों तक इस दुनिया की सफरिंग, पीड़ाओं से बचाया गया, प्रोटेक्ट किया गया उसको। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज ऑन हंटिंग, जब वो शिकार पे गया, जब वो कहाँ था, कहाँ गया? शिकार, हंटिंग यानी शिकार। ही सॉ अ सिक मैन, तो उसने क्या देखा? एक सबसे पहले देखा बीमार आदमी, सिख यानी पंजाबी, नहीं सुना, ऐसा नहीं कि सिख यानी वो सरदार, सिख धर्म वाला, तो सिख यानी यहाँ पे क्या है भाई? बीमार आदमी देखा उसने। देन ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसके बाद क्या देखा? ओल्ड मैन। देन अ फंडल प्रोसेसन, उसने क्या देखा फिर उसके बाद? एक फंडल प्रोसेसन देखा, यानी फंडल कहते हैं अंतिम संस्कार, प्रोसेसन कहते हैं जो निकलता है ना, जुलूस निकलता है, जो मैयत जो निकलता है ना, पूरा जल जुलूस से निकलता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसन। वैसे इस वर्ड को सुने, इस वर्ड के लिए एक वर्ड और है, बारात। क्या वर्ड है? बारात। जो था ना प्रोसेसन, उसको भी क्या कहते हैं? बारात। सुना, वो बारात के लिए वर्ड है। एट द एंड ही सॉ अ मंक बेगिंग फॉर एल्म्स, या फिर आर्म्स, क्या मतलब होता है? सहायता, मदद। चार लोग देखे, सबसे पहले देखा सिक मैन, फिर कौन देखा? एक बूढ़ा आदमी, फिर देखा एक अर्थी, और फिर देखा लास्ट में एक सन्यासी। कि ये क्या कर रहा है? कि ये तो भाई ऐसे ही होते हैं, भिक्षामदेही करके भीख मांगते हैं, और कोई भी जो है खाना ला के देता है इनको, और ये मौज करते हैं। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि यार चलो ये काम ठीक है, तो उसने वो काम अपना लिया, ठीक है। एक राजकुमार जिसने, जो क्या बन गया? मंक। क्या बन गए? अच्छा, मॉन्क नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? शाबाश, तुम्हें सही पढ़ा, वेरी गुड। ऑल दिस मेड हिम सैड एंड लेफ्ट हिज प्लेस, सॉरी, पैलेस एंड फैमिली टू सर्च फॉर द इटर्नल ट्रूथ। उसने क्या कर दिया उसी वक्त? वो घर आया, अपना सामान वामान थोड़ा सा बांधा, अपना पैलेस, अपना राजमहल उसने छोड़ा, और कहाँ चला गया? इन द सर्च ऑफ इटर्नल ट्रूथ। इटर्नल क्या होता है? जो शाश्वत सत्य है, जो सच, जो हमेशा रहेगा, वो सच। जैसे हम मानते हैं कि अल्लाह क्या है? एक इटर्नल ट्रूथ है, वो हमेशा रहने वाला है। हम आएंगे, हम जाएंगे, हम पैदा होंगे, हम मरेंगे, थोड़ी पैदा होगा। आगे सुनना ध्यान से। किसा गौतमीज सन डेड, सवाल था ये वाला। एक औरत थी किसा गौतमी,
उसका बेटा गुजर गया था, महात्मा गौतम गौतम बुद्ध के पास आई कि मेरा बेटे को जिंदा करो। उन्होंने कहा ठीक है, किसी घर से क्या लेके आ, जाकर सरसों के दाने लेकर आ, जाकर के जिस घर से मिल जाए फिर जिंदा कर दूंगा मैं। अच्छा तो किस घर से मंगाए दाने भी, जहाँ पे कोई मौत नहीं। किसा गौतमी जाती है, सारी बात पता है आपको, ध्यान देना। किसा गौतमी का बेटा मर गया। किसा गौतमीज वेंट हाउस टू आस्क फॉर द मेडिसिन टू सेव हर सन्स लाइफ। किसा गौतमी हाउस टू हाउस गई, घर घर गई, घर से घर गई या फिर घर घर गई टू आस्क, पूछने के लिए मेडिसिन अपने बेटे के बचाने के लिए, क्या करने के लिए, ढूंढने गई मेडिसिन, ढूंढने के लिए गई। शी डिड नॉट गेट एनी मेडिसिन बिकॉज नो मेडिसिन कैन क्योर अ डेड पर्सन, क्योंकि उसको उसको दवाई मिली नहीं, क्योंकि कोई दवाई ऐसी नहीं है, नो मेडिसिन कैन क्योर, जो इलाज कर सकती है अ डेड पर्सन, एक मरे हुए इंसान का। एट लास्ट सी अंडरस्टूड दैट द डेथ इज इनएविटेबल, और अंत में क्या समझ गई वो कि मौत जो है वो कैसी है, इनएविटेबल है, मतलब क्या आनी ही है मौत तो भी। ठीक है आगे सुन, लास्ट लाइन है इसकी, इफ़ यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, अगर हम चाहते हैं दिल का सुकून, दिमाग की शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, वी शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन कंप्लेंट एंड ग्रीफ। तो हमें क्या करना चाहिए, ड्रॉ आउट, निकाल देने चाहिए, बाहर कर देने चाहिए द एरो ऑफ लेमेंटेशन, विलाप, रोना धोना बंद कर देना चाहिए, शिकायत करना कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और तकलीफ़ों को, शिकायतों का, इनको रोना बंद कर देना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, सब्र का दामन थाम लेना चाहिए। चलो आगे सुनना, अगला चैप्टर कौन सा बताओ, प्रपोजल, इस बुक का लास्ट चैप्टर। ठीक है पढ़ते हैं द प्रपोजल, क्या मतलब होता है प्रपोजल का, प्रस्ताव, एक स्पेलिंग है PURPOSE, ये पर्पज़ है, ये क्या है, PURPOSE, ये क्या है भाई, ये पर्पज़ है, और ये क्या है बताओ, ये प्रपोज है, ये क्या है, तो हमारे पाठ का नाम क्या है, प्रपोज, तो प्रपोज क्या बना, प्रपोजल, प्रस्ताव। ये एक प्ले है, क्या है ये, प्ले, समझते हो प्ले क्या होता है, एक नाटक है। तुम्हारे इस बुक, देखो इस बुक में जो ना फर्स्ट लाइफ जो बुक है ना उसमें एक प्ले है, और सेकंड बुक में भी एक प्ले है, उसका नाम क्या बताओ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, क्लेयर बॉय कौन लिखा उसको, सुनना ध्यान से, इसमें तीन कैरेक्टर है, एक का नाम है स्टेफन स्टेफनोविच चुबुकोव, ये कौन है, तो ये एक लैंड ऑनर है, जमींदार है, कौन है ये, जमींदार है, इसकी बेटी है जिसका नाम नतालिया स्टेपनोवना, क्या नाम है, और कहानी में हम इसको बोलेंगे नतालिया, क्या बोलेंगे, नतालिया, 25 साल की है, और एक इनका पड़ोसी है जिसका नाम है इवान वैसिलेविच लोमो, इसको हम बोलेंगे लोमो, इसकी उम्र कितनी है, 35 साल का है ये। ठीक है अब देखो सुनना, सवाल या कुछ इस तरह से बनेंगे, पहला सर को सवाल ये बनेगा कि लोमो कैसा है दिखने में, देखो सुनना लोमो किस तरह का इंसान है, लोमो टची है, कैसा है, उसको ना कोई टच वच करना पसंद नहीं है उससे ज़्यादा। ठीक है इसके अलावा एक ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, क्या है वो, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी है वो, इसके अलावा वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा आने वाला है, जल्दी गुस्सा करने वाला है। ठीक है उसका दिल कमज़ोर है, हिज हार्ट इज़ वीक सो ही कांट स्लीप एट द नाइट, उसका दिल कमज़ोर है इसलिए वो रात को सो नहीं पाता, डर डर के उठ जाता है, कौन, लोमो। अब बात करें नेतालिया की, तो नेतालिया एजुकेटेड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा उसको भी आता है, और थोड़ी सी क्वारलसम है, क्या है, शाबाश, क्वारलसम क्या होता है, झगड़ालू, कैसी है, झगड़ालू है, थिंक्स हर फैमिली इज सुपीरियर टू अदर, और हमेशा क्या सोचती हूँ, उसका जो परिवार है वो सुपीरियर है, क्या है, सुपीरियर, यानी उसका जो परिवार है वो ही, उसका खानदान ही बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, गलत बात है ये तो, है ना भाई, yes, हाँ सही बात, yes. चलो
आगे सुनना। अब सवाल ये बनेगा, देखो लोमो कहानी का हीरो है, वह चुबो के घर पे आता है क्या करने के लिए? नताल्या का हाथ मांगने के लिए, ठीक है? हाथ मतलब उससे शादी करने का प्रस्ताव रखने के लिए आता है। लोमो कम्स टू आस्क नताल्याज हैंड इन मैरिज। लोमो हैड कम टू चुबुको'स हाउस। लोमो आता है किसके घर पर? चुबु के घर पर, चुबुको के घर पे आता है टू आस्क नताल्याज हैंड इन मैरिज, शादी में नताल्या का हाथ मांगने। ही डिड नॉट प्रपोज नताल्या एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज ऑक्सन मिडो। प्रपोज तो नहीं करता नताल्या को वो, और क्या करता है? शुरू कर दी बातें। कौन सी बातें? उसके ऑक्सन मिडो की। ऑक्सन कहते हैं बैल, मिडोस कहते हैं मैदान। उसके जो ना बैल की, जहाँ उसके बैल बनते हैं ना, उस मैदानों की बात शुरू कर देता है वो आकर के। विच टच्ड चुबुको'स बर्थ फुड, जो टच कहाँ से होते हैं? चुबुको के बर्थ फुड से। क्या टच होता है? ऑक्सन मिडो, यानी ऑक्सन मिडो किसका है? और चुबुको क्या है भाई? बर्थ फुड। नताल्याज फैमिली सेड दैट ऑक्सन मिडोज बिलोंग चुबुको नॉट लोमो। नताल्या की फैमिली क्या कहती है? कि जो ऑक्सन मिडो भी है ना, वो भी हमारा ही है, और जो ये है ना बर्थ फूड, ये भी किसका है? कोई टच वच किसी से नहीं करता, दोनों हमारे ही है, और इस बात से वो लड़ जाते हैं। आगे सुन लो। नताल्या लव्स लोमो। नताल्या जो लड़की है 25 साल की, ये प्यार किससे करती है? लोमो से। लोमो की उम्र कितनी है? 35 साल। सुनना ध्यान से। When Natalia comes to know that Lomo had come to there to propose to her, जब Natalia ने जाना कि Lomo आया है उसको propose करने के लिए, ठीक है? She becomes restless. Restless क्या होती है? देखो rest कहते हैं चैन, सुकून, आराम। Less लग गया मतलब रहित, उर्दू में एक word है बे, तो बेचैन क्या हो गया? बेचैन। Restless तो क्या हो गई? वो बेचैन हो गई। एंड आस्क हर फादर टू कॉल लोमो बैक, और क्या कहा पापा को? कि पापा बुलाओ वापस। लड़कियाँ कह लेती है, भारतीय लड़कियाँ कह लेती, इंडियन लड़कियाँ कह लेती ऐसे, पापा बुलाओ वापस, बुलाओ। अंग्रेज है भी, अंग्रेजों की बात ही निराली। आगे सुनो। इट शोज दैट शी लव्स लोमो, और ये बताता है कि वो लोमो से प्यार करती है। क्वारल्स अगेन ओवर द डॉग। अब देखो सुनना, वापस आता है लोमो, तो लोमो भी ऐसा नहीं कि भाई आते ही वापस प्रपोज कर देवे, वापस बैठते हैं और वापस। अब तो पहले लड़े जमीन के बात पर, अब लड़ेंगे कुत्तों की बात पर। कि वो कहता है मेरा कुत्ता अच्छा है, वो कहता नहीं मेरा कुत्ता अच्छा है। सुनना। नताल्या डज नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट ए क्वारल अगेन। नताल्या क्या नहीं चाहती है? वो क्यों नहीं करना चाहती? शादी करनी है उसको भाई, पता है लोमो भी अमीर आदमी है, है ना। लोमो starts talking about his dog, और लोमो ने शुरू कर क्या कर दिया? अपने कुत्ते की बात उसने शुरू कर दी। नताल्या tries to prove her dog is superior. अब नताल्या है, उसकी आदत है ये कि कोई भी चीज़ है वो मेरे पास जो है वो अच्छी है, तेरे पास जो है वो ख़राब है। तो लोमो ने बात शुरू की कुत्ते की, नताल्या क्या कहते नहीं ये कुत्ता सही नहीं है, कुत्ता जो हमारे पास है ना वो सुपीरियर है। नताल्या tries to prove her dog, उसका कुत्ता जो है वो सुपीरियर टू लोमोज डॉग। लोमो कुत्ते से क्या है? उसका कुत्ता सुपीरियर है। दे स्टार्ट क्वारलिंग ओवर देयर डॉग्स। अब क्या कर देते हैं वो? शुरू कर देते हैं बातें किसकी? कुत्तों की, और उन पर लड़ रहे हैं। सॉरी, दे स्टार्ट क्वारलिंग, फिर से लड़ रहे हैं किस पे? ओवर देयर डॉग्स, उनके कुत्तों के ऊपर। अब देखो सुना सवाल, इससे एक बनेगा लास्ट सवाल। How does the play end? किस तरह से नाटक अंत एंड होता है? ठीक है, लड़ते रहते हैं बैठे बैठे, पापा आते हैं बीच में चुबू को और डायरेक्ट प्रपोज कर देते हैं उसको, बेटी को, कि अरे भाई लोमो शादी करने के लिए आया। तो लोमो को याद आता है, अरे हाँ शादी करनी है क्या, ठीक है शादी करो। इस तरह से क्या हो जाता है? प्ले का एंड हो जाता है। सुंदर को ध्यान से पढ़ रहा हूँ। बॉथ गेट मैरिड, दोनों ने शादी की। चुबुको सेज टू लोमो दैट हिज डॉटर वॉन्ट्स टू मैरी हिम। चुबुको कहता है लोमो को दैट कि उसकी बेटी, उसकी किसकी? चुबुको की बेटी वॉन्ट्स टू मैरी हिम, वो शादी करना चाहती है हिम, यानी उससे, उससे मतलब लोमो से। सो ही शुड हरी अप एंड गेट मैरिड, इसलिए क्या उसको जल्दी करनी चाहिए
और फटाफट से ब्याह कर ले, इससे पहले इसका मूड चेंज हो, फटाफट जल्दी से शादी के लिए क्या कर ले। हाँ बोले, चलो अब एक बुक तो हमारी हो गई पूरी, अब अगली कौन सी बुक पढ़नी है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। उसके बाद इसकी पोइम पढ़ ले मैं पहले, चलो अगले पार्ट में इसकी सारी पोइम पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड बुक है वो पढ़ लेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू।